नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर में पंजाब नेशनल बैंक में 6,64,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने वाले अरुण सिंह को पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से तमाम सबूत और पूछताछ के लिए 5 दिनों की वृक्षा पर लिया गया। पूछताछ में आर्थिक तंगी और अन्य कई कारण बताए जा रहे हैं। बता दें कि विजयनगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में पिछले दिनों लूट की वारदात को एक व्यक्ति द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज और सबूत के आधार पर बाणगंगा थाना क्षेत्र के कॉलोनी में पहुंचकर उसके घर से 3 लाख बंदूक और तमाम वस्तुएं बरामद की थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच के द्वारा अरुण सिंह को उत्तर प्रदेश के एटा से गिरफ्तार किया गया था। जब उसे इंदौर लाया गया तो न्यायालय में पेश करके 5 दिन की वृक्षा में लिया गया, ताकि उसे लूट संबंधित अन्य जो रुपये हैं वह बरामद किए जा सके। तो वहीं दूसरी ओर से तमाम पूछताछ की जाए, प्रारंभिक पूछताछ में आर्थिक तंगी और कई तरह की बातें बताई है। तो लूट के बारे में उसका कहना है कि लूट के बाद उसने LCD टीवी खरीदने में रुपए लगा दिए, उसके बाद शराब पी, तभी कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा अन्य रुपए लेकर फरार हो गया। उसके बाद ग्वालियर होता हुआ आगरा पहुंचा था। जब पुलिस आगरा पहुंची तो वह अपने मामा के यहाँ एटा में चला गया, जहां से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बात यह भी सामने आ रही है कि वह पहले जहां नौकरी करता था वहां के प्राइवेट फंड को लेकर भी उसकी कहा सुनी हुई थी, रुपया भी नहीं मिल रहा था। इन सभी बातों को आहत होकर उसने ये वारदात को अंजाम दिया था और इन बातों से आहत होकर उसने ये वारदात को अंजाम दिया और इन्हीं सब कर्म को लेकर अब पुलिस उससे पूछताछ लगातार कर रही है। जैसा कि आपको विदित है, PNB में सनसनीखेज वारदात हुई थी। लगभग 4:41 पर एक नकाबपोश व्यक्ति आया था और उसने फायरिंग करते हुए और लगभग 6,64,530 रुपये लूट कर ले गया था। बाइक से सिंगल आया था। इस पर से लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर कुछ जो रकम थी उसके घर से बरामद हो गई थी। राइफल भी घर से बरामद हुई थी। उसके बाद आरोपी को एटा जिले के गांव से उसको क्राइम ब्रांच और पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाकर उसको माननीय न्यायालय के समक्ष कल पेश किया गया। उसकी 5 दिन की पुलिस रिमांड ली गई है। पूछताछ में उससे अभी जो कैश जो अभी रिकवर किया जाना उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। उसके द्वारा ये बताया गया था कि वो यहाँ से वारदात करने के बाद घर में कुछ कैश रखकर और एक टीवी का जो पेमेंट था वो करके उसके बाद सीधे वहाँ से निकला और वहाँ पर जो झाबुआ टॉवर से वहाँ पर संजय ट्रेवल्स की बस लेकर वो आगरा गया और आगरा से उसने बस चेंज करते हुए ग्वालियर गया, ग्वालियर से बस चेंज की और आगरा और मैनपुरी होते हुए अपने जो सिस्टर के यहाँ सहरा जो गांव है वहाँ पर गया था। वहाँ पर भी क्राइम ब्रांच की दबिश पड़ी तो वहाँ से वो भागा। फिर उसके बाद वो एटा जिले के एक गाँव में जहाँ उसके मामा रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ पर वो गया। वहाँ से क्राइम ब्रांच के द्वारा इसको घेराबंदी करके इसको गिरफ्तार हिरासत में लिया गया था। फिलहाल अभी इसको पुलिस रिमांड और भी पूछताछ की जा रही है। इसके द्वारा ये बात भी बताई गई है कि इसके साथ ऑटो में कुछ लोगों ने जब इसने ड्रिंक की कर रखी थी तो कुछ 2-3 लोगों ने ऑटो में उसके साथ मारपीट की थी और पैसे छुड़ाए थे। इसकी विश्वसनीयता पर अभी सवाल खड़े हुए हैं और इसे पूछताछ और की जा रही है। कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आई है। इसके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो कर्ज से परेशान था और कर्ज से परेशान होने की वजह से उसने ये घटना की गई है। सभी संबंध में इन्वेस्टिगेशन में सभी उसको रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें स्पष्ट कारण का भी पता लगाया जा रहा है। लूट में बच्ची और उनके माँ को, उसकी मतलब पत्नी को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं। अभी अन्य कारणों का भी खुलासा होने की संभावना। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।